खबर अम्बेडकरनगर से है, जहां टांडा रामपुर कला के ग्रामीणों ने टांडा तहसील में धरना देकर कोटेदार को हटाने के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन। रामपुर कला के ग्रामीणों ने आज टांडा तहसील में धरना देकर अपने गांव के कोटेदार को निरस्त करवाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन देकर उनसे अपनी समस्या बताई तथा गाँव वालों ने यह भी बताया कि जो इस समय कोटेदार है वह बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके पास राशन लेने जाता है तो उससे वह अभद्रता का व्यवहार करते हैं और अंगूठा लगवा कर राशन नहीं देते हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं कि जिससे कहना है कह दो, मैं किसी से डरता नहीं। इसी के साथ ग्रामीणों ने अपने हक को लेकर टांडा एसडीएम से मांग की। वर्तमान काल में कोटेदार का कोटा निरस्त करके पुनः कोटेदार का निर्वाचन होना चाहिए। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक से निवेदन करते हुए कहा कि राम बचन वर्मा के कोटे को बर्खास्त करके नए कोटे का चयन प्रक्रिया जारी करें। उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक ने आश्वासन देते हुए कहा कि एक हफ्ते में है इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर गांव के समस्त लोग मौजूद रहे। प्रसाद अरविंद वर्मा, सुरेंद्र कुमार, रामसूरत, अमित कुमार, अरुण कुमार, आनंद कुमार, करमजीत सिंह, शिवमूर्ति, अरविंद कुमार, लालजी दिनेश, विनीता कलावती, आशा देवी आदि लोग उपस्थित रहे। हाँ साहेब, जोन है के कोटेदार के पुराने निरस्त चाहिए, खत्म करना चाहिए। हमको चुनाव चाहिए फिर से। कोटा वाला नहीं चाहिए, एकदम बेकार आदमी है, बहुत नीच आदमी है। गाली गुलेज देकर एकदम डांट के भगा देता है, पन्ना फाड़ के फेंक देता है, लड़के को बच्चों को बहुत सताता है। अगर भेज देते हैं तो उसको बहुत सताता है। पुलिस मौजूद पहुंच जाते हैं तब भी अगले आदमी को मारते रहते हैं। मेरा नाम सितारा। कला गांव में कोटेदारी का इलेक्शन हो, क्योंकि वहां के जो पुराने कोटेदार हैं वो इस समय बहुत बदतमीजी करते हैं, राशन ठीक से देते नहीं है, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो मार के भगा देते हैं। उसके बाद हम लोग बस यही हमारा लक्ष्य है कि कोटेदारी का इलेक्शन हो। हम लोग आए थे टांडा तहसील में, यही धरना देने आए थे। मेन कारण यही था कि हम लोगों का हो जाए इलेक्शन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोटे का इलेक्शन हो जाए। हाँ, एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जांच कमेटी जाएगी और पूरा होगा।